दोस्तों, चूही, छिपकली और कॉकरोच आदि को देखकर अक्सर लोग डर से चीख उठते हैं, लेकिन इन सभी से कई गुना ज्यादा खतरनाक वह छोटा सा मच्छर है जिसे देखकर हम सभी घबराते भी नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियों की वजह से हर साल पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और मच्छरों के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा जीव या प्राणी नहीं है जिसकी वजह से हर साल इतने लोग मारे जाते हैं या फिर बीमार पड़ते हैं। इसलिए मच्छरों को दुनिया का सबसे ज्यादा घातक व जानलेवा जीव माना जाता है। पूरी दुनिया में मच्छरों की लगभग 3,000 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। हालांकि हर मच्छर की प्रजाति जानलेवा नहीं होती, लेकिन अगर घर में आने वाले मच्छरों के बीच में केवल एक भी मलेरिया या डेंगू फैलाने वाला मच्छर आ जाए तो उसके केवल एक बार काटने से ही यह हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। वैसे तो मच्छर साल भर पाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में और बरसात का मौसम खत्म होने के बाद मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, और यही वह मौसम होता है जब बीमारी फैलाने वाले मच्छर काफी अधिक मात्रा में फैलने लगते हैं। मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और यह तीनों ही बीमारियां आज बहुत तेजी से फैलती जा रही है। मच्छरों की तादाद बढ़ने से मच्छरों को मारने वाले प्रोडक्ट्स का आज 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार हो रहा है। इन प्रोडक्ट्स में मच्छर मारने वाली कॉइल, कार्ड, लोशन, टिकिया और स्प्रे जैसी चीजें शामिल हैं। अभी तक मच्छरों को मारने के लिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है जो कि सिर्फ मच्छरों को ही मारे और इंसान पर कोई भी बुरा प्रभाव न डाले, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स में केमिकल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है जो कि एक और मच्छरों को भगा कर उनसे हमें बचाती तो है, लेकिन दूसरी तरफ खुद हमारे शरीर के लिए नई नई बीमारियाँ लेकर आ जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे आसान उपायों के बारे में जिनके इस्तेमाल से घर में आने वाले मच्छरों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। इन नुस्खों को 3 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहला तरीका सबसे तेज है। इससे मात्र 10 से 15 सेकंड में ही कमरे में मौजूद सारे मच्छर भाग जाते हैं। वहीं दूसरा तरीका रात भर मच्छरों को हमारे पास आने से रोकता है। और तीसरा तरीका बड़े कमरे और हॉल जैसी बड़ी जगहों के लिए सबसे बेहतर है। इन सब के अलावा हम यह भी जानेंगे कि सफर के दौरान और खुली जगहों पर अपने आप को मच्छरों से कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी बे लीफ यानी कि तेज पान के पत्ते, नीम का तेल और कपूर की। नीम के तेल के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मच्छरों को भगाने के साथ साथ यह त्वचा पर होने वाले पिंपल्स, दाद, खाज, खुजली और त्वचा से जुड़े कई तरह के रोगों को पूरी तरह खत्म करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। नीम का तेल आपको किसी भी दवाई की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर पर कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी यानी कि लगभग 100 ml नीम के तेल में एक बड़ा चम्मच जलाने वाले कपूर को फोड़कर उसका बारीक पाउडर बनाकर मिलाएं। उसके बाद इस तैयार तेल को किसी भी स्प्रे बोतल या फिर प्लास्टिक के जार में भरकर रख लें। यह नुस्खा मच्छर भगाने वाले फास्ट कार्ड की तरह काम करता है। इसके लिए 2 से 3 तेज पान के पत्तों पर नीम और कपूर के तेल के मिश्रण को लगाकर या स्प्रे करके इसे मच्छरों वाले कमरे में जला दें। इसके जलने से निकलने वाला धुआं कमरे में मौजूद सारे मच्छरों पर मात्र 10 से 15 सेकंड में ही असर दिखाना शुरू कर देता है। तेज पान के पत्तों को जलाने पर निकलने वाला धुआं हमारे दिमाग को शांत करने का काम करता है। रात को नींद ना आना, सर दर्द या सर में भारीपन लगने के साथ साथ यह दिमाग में स्ट्रेस और टेंशन को भी दूर कर देता है। इसलिए ज्यादातर स्पा, मेडिटेशन या योगा स्टूडियो में तेज पान के पत्तों को जलाया जाता है। रिलैक्सेशन के लिए तेज पान के पत्तों पर कपूर और नीम के तेल का मिश्रण लगाकर जलाने से रात में अच्छी नींद भी आती है और हमें मच्छरों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसका धुआं अस्थमा और माइग्रेन के मरीजों के लिए भी लाभदायक होता है। इसे और ज्यादा खुशबूदार बनाने के लिए नीम के तेल में थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल भी मिलाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, इसमें कपूर और नीम के तेल के मिश्रण का दिया जलाकर रात भर अपने बिस्तर के पास रखें। ऐसा करने से बिस्तर के आसपास नीम और कपूर के जलने से निकलने वाली खुशबू फैलने लगती है जो कि मच्छरों को हमारे पास आने से रोकती है। अगर आपको बार बार दिया जलाने का काम पसंद नहीं है तो किसी छोटी कांच की शीशी से ऑयल लैंप या चिमनी बना लें, ठीक उसी तरह जैसे पुराने जमाने में बनाई जाती थी। ऐसा करने से इसमें बार बार तेल भी नहीं भरना पड़ता और यह लंबे समय तक आसानी से चल जाता है। दिए का असर केवल छोटी जगहों या बिस्तर के आसपास के एरिया तक ही सीमित होता है। बड़ी जगहों के लिए दिए की जगह ऑयल बर्नर का इस्तेमाल करें। ऑयल बर्नर आपको किसी भी गिफ्ट शॉप या जनरल स्टोर पर कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगा, या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। सामान्यतः ऑयल बर्नर के नीचे मोमबत्ती यानी कैंडल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप कैंडल की जगह इसमें नीम के तेल के दिए या चिमनी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर दुगना हो जाता है और यह बड़ी जगहों पर भी आसानी से फैलने लगता है।
इसके अलावा अगर आप सफर में या घर से कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी स्किन पर नारियल का तेल, नीम का तेल, लौंग का तेल, पेपरमिंट ऑयल, नीलगिरी के तेल को आपस में मिलाकर इनका एक नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सभी तेल हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद भी होते हैं और साथ ही मच्छरों को हमारे पास आने से भी रोकते हैं। दोस्तों, यह सभी तरीके पूरी तरह से प्राकृतिक है और मच्छरों को भगाने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार भी है, और साथ ही इनका हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं बल्कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपसे मच्छरों से बचने के लिए हानिकारक केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज़ करने की जगह इन नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।